अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। इथेन का फॉर्मूला सभी को पता होगा, तो इसमें हमें बताना है 6 कोवेलेंट बॉन्ड है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, 8 कोवेलेंट बॉन्ड है या 9 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। तो इथेन का फॉर्मूला अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा तो यह है C2, ठीक है, दो कार्बन है और इसमें 6 हाइड्रोजन है और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे हैं, इसके 4 बॉन्ड है, इसके भी 4 बॉन्ड है, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन कार्बन के बीच थी और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन हाइड्रोजन, फिर इस भी कार्बन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग से बने हैं सारे बॉन्ड, क्या बने, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने, क्योंकि कार्बन में बाहरी जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक 4 के साथ शेयर हो गया, एक कार्बन के साथ हो गया, 3 हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन पे भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन के साथ शेयर कर लिया, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया। कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंपल आप काउंट करके बता सकते थे, यहाँ पर क्या है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इसमें 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, किसी भी स्ट्रक्चर में आप काउंट कर सकते हैं। मैं कहता हूं मीथेन में कितने हैं, CH4, तो CH, तो 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता कि C2H4 में कितने होंगे, तो C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और बाकी 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे, तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 5, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, 5। डबल बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट